दिस इज़ आर कैच फॉर दिस मॉर्निंग. हम सुबह सुबह यहाँ पर बीच पर घूमने आए और हमें मछली मिली. मछली हमने मछली पकड़ी समुद्र के अंदर से. मछली एकदम तैर रही थी तो हमने समुद्र में से छीन ली मछली. बट दिस इज़ सो ब्यूटिफुल टू जस्ट टच फील. मतलब हमने मैं तो पहली बार ही मछली फील कर रहा हूँ एक तरीके से, क्योंकि मैंने आज तक कभी करी नहीं है. पायल तो वो भी नहीं कर पा रही है क्योंकि शी इज़ अफ्रेड कि उसको गिलगिला वाला पसंद नहीं है. और अब मैंने भी टच करके नहीं देखी. बट दिस इज़ सो गुड, दिस इज़ सो रॉ. खाओ इसको, खाओ. खा लूँ? हाँ. गुड मॉर्निंग. और अभी मैं आपको गुड मॉर्निंग कर रही हूँ एट 6 o'clock. और 6 o'clock यहाँ हमारे रिजॉर्ट में ऑलरेडी सनराइज हो चुका है. और इतना ब्यूटीफुल सनराइज है कि मतलब दिल देख के खुश हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हम रुके हुए हैं गोल्ड स्टार बीच रिजॉर्ट पे, वहाँ पे अपनी पर्सनल बीच है इनकी. और यहाँ पे जैसे आप रूम से निकलते हैं, रूम से निकलते ही ये बीच का व्यू है. और बीच इतनी ऑसम है, बिल्कुल शांत और वाइट सैंड है साइड में और सन बिल्कुल सामने दिख रहा है. सो इट इज़ रियली ब्यूटीफुल. आप सुबह सुबह जल्दी उठिए, यहाँ पे वॉक के लिए आइए. अब मैं भी उठ चुका है, हम भी उठ चुके हैं, तो यहाँ पे नींद खुल ही जाती है क्योंकि रोशनी जल्दी हो जाती है. तो इस रिज़ॉर्ट की एक ये बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लग रही है कि इनकी जो ये पर्सनल बीच है इसका व्यू काफ़ी अच्छा है. राधानगर पर बिताई शाम के बाद अब बारी थी अगली सुबह की, वो सुबह जिसने हमें दिखाया बेहद खूबसूरत सनराइज. अंडमान की सुबह देखने का अपना अलग मजा है. कहते हैं जैसे ही सुबह की पहली रोशनी क्षितिज पर आती है, आकाश गुलाबी और नारंगी रंग के रंगों में बदलना शुरू हो जाता है, जिससे समुद्र तट के शांत पानी पर गर्म चमक आ जाती है. तट से टकराती लहरों की आवाज हवा को भर देती है, साथ में पक्षियों की चहचहाट और कोमल हवा में ताड़ के पत्तों की सरसराहट होती है. जैसे ही आप समुद्र तट पर चलते हैं, ठंडी रेत आपके पैरों को गुदगुदाती है और आप महसूस कर सकते हैं कि सुबह की ताज़ी हवा आपके फेफड़ों में भर रही है. जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है, आकाश के रंग चमकीले हो जाते हैं और चमकीली रोशनी पानी को जगमग करती है, जिससे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य बनता है. कुल मिलाकर गोविंद नगर बीच पर एक सुबह एक शांतिपूर्ण और शांत अनुभव हो सकता है, जो आपके दिन की शुरुआत एक सकारात्मक नोट पर करने के लिए एकदम सही है. और आज हम जाने वाले हैं एलिफेंटा बीच. चलिए उससे पहले अपने दिन की शुरुआत करते हैं और इस खुशनुमा माहौल के मजे लेते हैं. सो ये है गोविंद नगर बीच, आपकी सबसे पहली बीच. जब आप जेटी से उतरते हैं तो गोविंद नगर बीच ही आती है. और यहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट्स ऐसे हैं जिनकी अपनी पर्सनल बीच है, लेकिन कहीं रॉकी है, कहीं पे सैंड नहीं है, कहीं पे प्रॉपर बीच नहीं है, सिर्फ वाटर वाटर है. ये बीच मुझे काफ़ी पसंद आई क्योंकि यहाँ पर आपको बीच वाला फील भी आ रहा है, बिल्कुल शांत भी है, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, शैक्स पड़े हुए हैं. सो हैवलॉक के अंदर बीच के मामले में गोविंद नगर बीच इज़ ऑल्सो अ गुड स्टे ऑप्शन. जब भी आप हैवलॉक पर आओगे तो आपको होटल्स भी बुक कराने होंगे, और जब आप होटल बुक कराओगे तो आपके मन में दो चीज़ें आएंगी कि क्या वो बीच पर है, क्या उसमें अच्छी फैसिलिटीज़ हैं. तो मेरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप हैवलॉक पे स्टे कर रहे हैं तो बीच तो आपको चारों तरफ मिलता ही मिलता है. जहाँ पर भी आपके होटल्स हैं वहाँ पर आपका बीच ज़रूर होगा, और अगर नहीं है तो उसका नाम बीच रिजॉर्ट नहीं होगा. तो अगर किसी होटल का नाम बीच रिजॉर्ट से है तो यानी कि उसकी बीच है, और अगर उसकी बीच है तो वो बहुत अच्छी है. हैवलॉक पे आपको बीच के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन आप फैसिलिटीज़ होटल की ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ होटल्स आपको कौन भी करते हैं. मम्मी क्या कर रही हो आप? मैं बीच पर आई हूँ सुबह सुबह और बस पानी का एंजॉय कर ये बीच आपको बीच आ, आपको बीच मुझे बहुत अच्छी लगी है. दूर दूर तक पानी है, सुंदर लग रहा है बहुत ज्यादा. अच्छा. नहीं दूर तक पानी नहीं है, वो दूर देखो आइलैंड दिख रहा है. वो आइलैंड दिख रहा है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है दूर दूर तक समुद्र देखना. अच्छा एक चीज बताओ, रिजॉर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? रिजॉर्ट के बारे में बेकार है बिल्कुल. अच्छा कोई खास नहीं है, काम चलाने वाला है. फैसिलिटीज आपको अच्छी नहीं लगी? ना बिल्कुल. लेकिन बीच अच्छी है? बीच अच्छी है, बस ये है कि चलो यहाँ कौन सा हमको घर बनाना है, काम चल रहा है अपना. हाँ हाँ सही है. तुम्हारा क्या कहना है रिजॉर्ट को लेकर? मेरा ये कहना है यहाँ पर बिल्कुल नहीं स्टे करना, और मैं इसको बिल्कुल 0 star rating दूंगा. 0 अंडा एकदम.
क्योंकि बीच तो आपको कहीं भी मिल जाएगी ना, बीच के लिए थोड़ी आप हम यहाँ पर आए हैं, बीच तो होटल में आप बीच में घूमने जा सकते हैं, कुछ भी करने जा सकते हैं, बीच तो आपको आइलैंड पर कहीं भी मिल जाएगी। आप होटल में स्टे करते हैं एमिनिटीज़ के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए, तो अगर आपको वो फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलेंगी तो आप क्यों स्टे करेंगे? एक्चुअली द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे बीच रिजॉर्ट्स आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, बीच भी काफ़ी रिजॉर्ट्स की अच्छी मिलेगी और प्राइस भी आपको नॉर्मल से नॉर्मल रेंज में 3,000-4,000 में बीच रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन द मेन पॉइंट इज़ फैसिलिटीज़ और होटल का एम्बियंस, आपकी सर्विस कैसी है। तो यहाँ गोल्ड स्टार बीच रिजॉर्ट पे हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि यहाँ पे एमिनिटीज़ और जो सर्विस है दैट इज़ वेरी पुअर, स्टाफ इज़ ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन बुक करा के आए थे, हम ऑनलाइन भी रिव्यू ज़रूर डालेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इस वीडियो में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर जब से कल से आए हैं तो इस रिज़ॉर्ट की सिर्फ एक अच्छी चीज़ है कि इसकी बीच अच्छी है, आप उठते ही अपने होटल के सामने यहाँ पे वॉक कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बाकी रिज़ॉर्ट के मामले में इट इज़ नॉट अ गुड रिज़ॉर्ट। आप अगर सामने किसी होटल में रुक के और रोड क्रॉस करके इधर आके बीच एंजॉय करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको चेक नहीं करने वाला कि आप अच्छा इसी रिज़ॉर्ट में रुके हो। तो नहीं, ऐसा कोई लिमिटेशन है भी नहीं। हाँ। अगर आप किसी भी जगह पे रुकते हैं तो आप किसी भी बीच पर जा सकते हैं, क्योंकि बीच नेशनल प्रॉपर्टी है रादर देन पर्सनल। यस, सो यहाँ का गोल्ड स्टार बीच रिज़ॉर्ट का अलग से हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आपको इस रिज़ॉर्ट के बारे में सारी चीज़ें उस वीडियो में डिटेल में पता चल जाएंगी। अगर आप पहले बुक करा रहे हैं हैवलॉक में होटल तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो उगते हुए सूरज के साथ हमने राधानगर बीच की ठंडी रेत पर अमय के साथ कुछ वक्त बिताया, थोड़ा रिलैक्स किया और थोड़ा फोटोग्राफी का मज़ा भी लिया। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे शॉट्स मिल सकते हैं, लेकिन सुबह की शांति को आराम से बैठकर एंजॉय करने से बेटर हमें सच में कुछ नहीं लगा। और 2 घंटे कब निकल गए हमें पता भी नहीं चला। हमें क्या कर रहे हो? समुद्र की लहरों को गिनने लग रहा है। जेब में रख लेना पापा जी, बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे शीप हैं यहाँ पे। 6:30 बज चुके हैं, हवा में गर्मी ऑलरेडी आ चुकी है, पसीने ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं, तो 15-20 मिनट और है, हम एंजॉय करते हैं और फिर अपने रूम पर पहुँचते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पर गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि आप बीच पर बैठ नहीं सकते, एंजॉय कर सकते हो पानी में बस। जो सनसेट बीच होते हैं वहाँ पर शाम को जब आप जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स होता है और ठंडी हवा चलती है, तो वहाँ पर आप कितनी भी देर तक बैठ सकते हो। लेकिन जो सनराइज़ बीच होते हैं खासकर, वहाँ पर आप 6:30 के बाद ज़्यादातर यहाँ पर नहीं बैठ सकते क्योंकि फिर गर्मी लगने लग जाती है। तो पायल, आज का प्लान क्या है तुम्हारा? आज का प्लान है वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए एलिफेंटा बीच जाएंगे, फेरी पकड़ेंगे और शाम को चिल करेंगे। और ये लड़का क्या करेगा चिल? ये लड़का इस ऐसे ऐसे ही बस बॉल लेता रहता है, बॉल खाता रहता है, बॉल पकड़ रखी है इसने, ये कच्चे नारियल के वो हैं, लेकिन ये अपनी बॉल पकड़ लेता है, अपनी एक दो कहीं मिल जाती है वो पेड़ से गिरी हुई और उन्हीं से खेलता रहता है। नाना को छोड़ नहीं रहा लेकिन लड़का, नाना को फुल पकड़ रखा है, नाना नाना करके नाना की वाट लगा रखी है, हंसा हंसा नाना के नाम से, बैठता भी नाना के पास ही है। नाना दिखे तो बेचारे को टेंशन चल जाती है, कहाँ गए नाना, है वही नाना के दीवाने। और जब यहाँ वक्त बिताकर हम अपने रूम की तरफ जा रहे थे तो अचानक, अरे भाई साहब नारियल गिरा, ये सही रिकॉर्ड हुआ है, नारियल गिरा। कभी कभी कुछ चीजें टाइम पे रिकॉर्ड हो जाती हैं, जैसे गिरता हुआ नारियल एकदम धूम धड़ाके बम ब्लास्ट की आवाज के साथ। गोविंद नगर बीच का ये सफर यहीं तक, अगली वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एलिफेंटा बीच। तो बने रहिए द ट्रेंडिंग 2 के साथ और हमें सब्सक्राइब करने के साथ साथ इंस्टा और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो कीजिए।